नहीं था भाई, नहीं था ये भाई, भाई सबसे भी लट्ठी कड़ी। सो हे हाय हेलो गुड मॉर्निंग जनाब, स्वागत है भाई आपका उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी पहाड़ियों से। देखो अभी सामने का व्यू कितना प्यारा है, और ये है अपना क्या बोलते हैं रैन बसेरा। बाकी सामने का नज़ारा अभी कुछ इस तरह से है। अभी भाई टाइम हो रहा है 8 बज रही हैं, तो उठ गए थे हम 7 बजे के आसपास, तो अभी 8 बज रही है, नाश्ता वगैरह करने का टाइम होता है, तो चलते हैं फिर और नाश्ते में देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है। तो मम्मी बनाती है ज़्यादातर खाना, तो देखते हैं क्या बनाया आज नाश्ते में। आलू चाय नहीं बनाए, चाय बनाया रिशा। तो जनाब आज नाश्ते में है हमारे पास छौंके हुए आलू, और जिन्हें बोलते हैं गुटके भी बोलते हैं वैसे हिंदी में। तो अपने पास ये है आज खाने में, और बाकी ना ये जो रोटी है ना भाई, ये बनी है चूल्हे की रोटी, और इसमें थोड़ा सा गेहूं के आटे के साथ मंडवे का आटा भी मिला रखा है, तो ये बहुत पौष्टिक होता है। तो आज ये खाते हैं, मतलब आज क्या ये तो रोज ही खा रहे हैं आजकल, तो मस्त होते हैं भाई चूल्हे की रोटी का स्वाद ना अलग ही आता है एकदम से। चलो फिर नाश्ता करते हैं फिनिश, और उसके बाद करते हैं आप लोगों से बात। तो ये यंत्र जो हमारे पीछे देख रहे हैं जनाब आप, ये है एक डब्बा 20 लीटर का कैन, और इसे ना पता किस चीज़ के लिए इसमें मिला रखा है भाई, ग्लाइसरॉल करके है कुछ एक प्रोडक्ट, वो मेनली खरपतवार जलाने के लिए आता है। तो कुछ कुछ तो जल गए थे, देखो ये थोड़ा बहुत पहले डाला था, तो ये पूरा तो सूख गया है, देखो ऐसा ही हरा था ये, तो थोड़ा बहुत बच रखा है, तो इस तरह से डलता है। देखो खरपतवार जलाने में नष्ट को, मतलब ये 3-4 दिन में साफ़ कर देगा, जैसा ये हो रखा है देखो ऐसे ही कर देगा ये। तो ये थोड़ा बहुत बच रखे थे, तो इन्हें कर देते हैं भाई इसमें, फिर यहाँ पे बोएंगे भाई मटर वगैरह कुछ। तो भाई अभी हो रही है सुबह, 7 बज रहे हैं सुबह के, और मौसम आज तो मस्त खुला हुआ है भाई। आज एक तो पहाड़ों में चाय पीने का ना जो मज़ा है वो अलग ही होता है। फिलहाल आज का कुछ कार्यक्रम ऐसा है कि ये जो खेत देख रहे हैं ना भाई, ये खेत नीचे वाले 2-3 खेत वहाँ लगाना है हल। तो फिलहाल अभी कहीं से बैल लाने, हमने किसी को बोल रखा है, तो वहाँ से बैल लाते हैं और फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं बैल को लेने के लिए, और भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मतलब आप यार गेस कर सकते हो यहाँ रात को कितनी ठंड होती है। यहाँ देखो अभी पाला पड़ रखा है, अभी सूखा भी नहीं बिल्कुल, देखो पूरे पत्ते ना पाले से हो रखे हैं, पूरा पहाड़ इस साइड का सूख गया क्योंकि धूप आ गई, लेकिन इस साइड से पूरा गीला है, अभी पूरा पाला पड़ रखा है, मतलब खतरनाक। इतनी ठंड है, और महीना चल रहा है सितंबर ये है गजा, इसका तो पता ही नहीं चल रहा, देखो है ही नहीं कहीं, ये बादलों के बीच में छुप गया कहीं। तब जब हम छोटे थे गाइज, हम ना यहाँ पे खेला करते थे, और ना ये होती थी हमारी बाउंड्री यहाँ पे, तो यहाँ ना मतलब हम क्या करते थे, छक्के काउंट करने होते थे ना, 6-6 कितने सिक्स किसके हैं। तो भाई ना जितने जितने जो खेलने वाले लड़के थे, जो एक जने मारते थे जैसे 20-25 ना, मेरे टोटल होते थे उतने, तो उनके 600-700 पे चल रहे होते थे, मैं ऐसे 20-30-40-50 ऐसे चलते होते थे। नहीं था भाई, नहीं था स्पोर्ट्स में। तो भाई यहाँ बोए जा रहे हैं गेहूँ, खाद वगैरह तो डाल दी थी, और फाइनली अपने बल्द तैयार हो गए ना भाई, मस्त ढंग से दिया हीरा मोती हिंदू नॉर्मल। तो आज भाई 2-3 खेत कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी से स्पीड दबानी पड़ेगी भाई आज। चल दो 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 भाई, चल चल दो 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 दो। ये भाई भाई सबसे भी लट्ठी कट गया। तो भाई बहुत साल बाद लगा रहा हूँ मैं हल, तो ना पसीने आप देख रहे होंगे कैसा लग रहा है, ठीक ठाक ही हो गया पसीना भाई, अभी बहुत लगाने के लिए है। अभी तो ये पूरा खेत लगा है केवल, तो अभी एक थोड़ा ऊपर का है, और उसके बाद देखो अभी पहले कितना बेकार लग रहा था, जोतने के बाद क्या मस्त लग रहा है भाई ये खेत। बाकी यार अभी 2 वो भी है नीचे वाले, और 1-2-4 यहाँ पे है, बस एक खेत यहाँ पे छोटा सा ही है। तो भाई क्योंकि ना काफ़ी टाइम बात कर रहा हूँ मैं ये काम, तो थोड़ा थकान तो नहीं लग रही, पर मज़ा आ रहा है मुझे करने में, मतलब
चलो भाई एक यहाँ था वो भी हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं नीचे वाले खेत में। चल मेरे दोस्त चल 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 औ दो 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 चल जा हेलो। तो अब ये वाला रह रखा है भाई बड़ा, एक ये है वहाँ से वहाँ तक और एक ऊपर वाला है आधा, तो ये आई होप ये कंप्लीट हो जाए भाई नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर। तो भाई ना इन बैलों को यार लगातार हो गए ना 4-5 दिन से कंटिन्यू हैल लगा रहे, तो यार मतलब थके हुए काफ़ी हैं ये, और मैं तो देख अगर बढ़िया चलते हैं ना बैल में यार जल्दी जल्दी लगा देता, लेकिन ये थोड़ा स्लो हो गया अब तो, अभी इतना ही लग पाया है। तो देखो मौसम भी साथ दे रहा है वैसे तो अभी ठीक ठाक है, तो ये इतना लग गया थोड़ा स्लो चल रहे हैं बस, बाकी तो मस्त थे भाई अपने दोनों बैल। शाबाश 250-250 ग्राम के तो चप्पल हो जा रहे हैं भाई, जमीन पे मिट्टी लग रही है। कमर दर्द हो गई यार भाई, 3 खेत भाई कंटिन्यू यार वो भी बड़े बड़े। तो जनाब अब वक्त हो चुका है भाई खाना खाने का, तो देखते हैं आज हल्या के लिए क्या बना रखा है। हल्या मतलब जो हल लगा रहा है ना उसे बोला जाता है उत्तराखंड में हल्या, तो देखते हैं आज क्या बना रखा है। 3 तो लगा दिया अभी 2 और रह रखे हैं, तो भाई जल्दी से नहीं आराम से खाएंगे भाई, खाना पीने खाने का टाइम हो चुका है तो आराम से खाना पीना खाएंगे। देखते हैं भाई खाने में क्या बना है, मुझे तो लगता है राजमा चावल बने होंगे पक्का, क्योंकि जिस दिन हल लगता है ना उस दिन राजमा चावल पक्का। जब भी कोई हमारे यहाँ हल लगाना आता था ना तो माँ हमेशा राजमा चावल बनाती थी उनके लिए, लेकिन आज देखते हैं आज मैंने लगाया तो देखते हैं क्या बन रखा है ना। तब तक थोड़ा बैल वगैरह भी आराम कर लेंगे, थोड़ा वगैरह घास भी डाल दिया है और पानी देंगे और उसके बाद। तो देखो भाई मैंने बोला था ना क्या बना होगा आज और ये हैं पहाड़ी खीरे और ये है राजमा चावल। देखो भाई ये घास इसने खाया है ना, उस टाइम लग रहा था इसे भूख लग गई, अब देखो ऐसा सो गया है घास में, पानी भी नहीं पी रहा, इसको लगी है प्यास थोड़ा बहुत। पोड़ ये काफ़ी बड़ा खेत है भाई, और उसके बाद छोटा सा ऊपर में रह रखा है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे और हमारा दर्द करने लगे भाई आज मौसम सही हो गया बढ़िया सा, अब आएगा मज़ा। तो जरा मशक्कत करने के बाद भाई फाइनली ये वाला खेत और ये वाला खेत भी देखो क्या मस्त लग रहा है अपना, अब है ना फील इसमें अब लग रहा है क्या, हाँ यार मस्त बढ़िया ढंग से। तो इन बैलों ने भाई बहुत साथ दिया आज, एक थोड़ा सा रह रखा है तो वो लगाना है, बाकी तो भाई इन्होंने मस्त ढंग से लगा दिया। 4 खेत हो गए हमारे, पूरे 4 खेत लगा दिए भाई आज सुबह से, और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रही हैं, तो 9 बजे स्टार्ट किया था, 9 बजे से 4 बजे तक लगा लो आप, बीच में थोड़ा 1-1.5 घंटे का शायद लंच टाइम हुआ उसके, नहीं तो कंटिन्यू ही लगाया भाई, मज़ा आ गया। और बॉडी तो टूट गई भाई क्योंकि काम वगैरह थोड़ा कम ही करता हूँ मैं, तो आज तो आहा। तो भैया टाइम हो गया है 5 बज गए और अपना सारा काम हो चुका है पूरा, ये देखो ये वाला खेत था पूरा, ये भी कर लिया पूरा, ये वाला था वो नीचे था, तो ऑलमोस्ट। तो इन बैलों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई धन्यवाद। तो आप थोड़ा ना मिट्टी लगाते हैं इनके कंधों पे, ऐसे ऐसे बोलते हैं जो पुराने पुराने वाले लोग थे जो वो बोलते हैं ऐसे कि इनके कंधों पे थोड़ा बहुत मिट्टी लगानी चाहिए भाई। तो खोल। तो यार अब जहाँ से लाए थे ना बैल सुबह वहीं बांधने ले जाने, क्योंकि यहाँ तो जगह है नहीं, बाकी घास वगैरह बाद में दे देंगे ना गठड़ी बांध के,
बाकी आ रहा है पीछे, ये थोड़ा तेज है यार, ये भाग जाता है ना एकदम से। और ये इस गांव के भी नहीं है, दूसरे गांव के हैं, इससे तो भाग जाएंगे भाई वहाँ, इसीलिए इसे बांध के ले जाना पड़ रहा है। इस साइड देखो भाई कितना प्यारा है यार, कितनी हाइट पे देखो हमारा, मतलब जो एरिया है ना बहुत हाइट पे। अभी सामने देखो बादल, और इस साइड अभी कोहरा लगा नहीं तो ना वहाँ से हिमालयन रिज दिखती है पूरी मस्त। तो ये लोगों ने भाई झंगोरा लगा रखा है देखो पूरा खेत, और यहाँ भोज रखे। तो देखो भाई नीचे के सारे खेतों में ना हमने ये फूल लगा रखे हैं, देखो मस्त लग रहे हैं ना फूल वगैरह, फूल बो रखे हैं पूरे खेतों में नीचे, और ये सारे सेब के पेड़। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।